एज अ मैन नोबडी विल टेल यू टू टेक पल्लू। कई बार ऐसा होता है कि जब वर्क प्लेस में हैरेसमेंट होती है वो ऑलरेडी नंब होती है कि अच्छा ये तो डेली होता है घर में, हम ऐसा फील करवाते हैं कि नहीं हम कहीं बहुत ही पीछे हैं। महिलाओं में पूरी शक्ति है तो हम अपनी महिलाओं को अपनी बेटियों को बराबर की अपॉर्चुनिटी दे सके। देखा जाता है यही, आप हॉबी बिजनेस कर लो, आप क्राफ्ट करते हो ऑनलाइन उसको बेच लो, बड़े सारे प्लेटफॉर्म है। मैं आपको ये भी बताया जाता है कि यू आर नॉट फ्रॉम दिस फैमिली, यू विल बी गेट मैरिड टू अनदर पर्सन। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे, मैं हिया नेजा आपके साथ। विमेन एम्पावरमेंट की बात तो हम सब करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, हर एक ओर से कोशिश यही रहती है कि महिलाओं को आगे लेके आए, चाहे अलग अलग स्कीम्स की बात की जाए। इवन आजकल देखा जाता है कि घर में से भी जो है अब लड़कियों को सपोर्ट मिलने लगा है जैसे पहले नहीं मिलता था। पर वहीं एक और सेक्टर जिसके ऊपर देखने की, जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है, वो ये कि अगर महिला काम भी करने जाती है तो उस वर्क प्लेस में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, चाहे बात पे स्केल की हो या बहुत सारे इश्यूज की हो। सिर्फ पे स्केल एक इशू है जो ज्यादा दिखता है, पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां एक महिला को अपनी वर्क प्लेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के यूथ का इसके ऊपर क्या कुछ टेक है वो जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति और ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं की अगर बात की जाए तो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है महिलाओं को एक वर्क प्लेस पर। सबसे पहले तो प्रीति और ताहिर, स्वागत है आप दोनों का। तो प्रीति, आपका क्या टेक है, मैं जानना चाहूंगी एज ए वुमेन जब आप काम करने जाते हैं तो क्या छोटी छोटी चीजें हैं जहां आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है? पहले तो ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपका और जेके मीडिया का हमें बुलाने के लिए और इतने अच्छे टॉपिक पर बात करने के लिए, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस टॉपिक पर बात करने के लिए। मैं अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, वेदर इट इज सोशल, इमोशनल, फिजिकल, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में पर्सनली मैं अपने बारे में बात करूंगी तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये खुद से जुड़ा है। हमें खुद को एम्पावर करना जरूरी है, जब तक हम खुद एम्पावर नहीं होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कशन करने का। बिकॉज अगर हम खुद एम्पावर्ड है, खुद पर फील करते हैं कि हमें मतलब एज अ मेल हमें कोई कोई डोमिनेंस ऐसा कुछ नहीं आए, तो उसके लिए पहले खुद को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। और बाकी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली टू डिस्कस वुमेन एम्पावरमेंट और जस्ट वुमेन इन इक्वालिटी, इट इज़ ऑल्सो मोर अबाउट मेल इक्वालिटी ऑल्सो। बिकॉज जब हम ऐसा डिस्कस करते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम ऐसा फील करवाते हैं कि नहीं हम कहीं बहुत ही पीछे हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट ओनली टू डिस्कस अबाउट वुमेन इन इक्वालिटी। वहीं ताहिर भी हमारे साथ हैं। ताहिर, आपका क्या टेक है इस पर, जहाँ प्रीति ने भी कहा कि बात की जाए अगर मेल डिस्क्रिमिनेशन की तो मेल पार्ट को भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो आप इसके कैसे देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो अगर आप फीमेल्स की बात करें या मेल्स की बात करें, मेल्स की जो परसेंटेज है जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है उसका नंबर जो है परसेंटेज है दैट इज़ वेरी लेस। अभी भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारी स्टेट में, हमारी कंट्री में और इनफैक्ट जितनी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं वहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रही है। अब ज़रूरत ये है कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एक जिस समाज की हम कल्पना करते हैं कि जो आने वाले समय में हम एक भारत जो एक मतलब स्ट्रांग कंट्री हम देखना चाहते हैं, जो 48% जो पॉपुलेशन है, 100% अगर लेना उसके करीब 48% हमारे पास यहाँ महिलाओं की आबादी है। तो जब तक ना हम फीमेल वर्कफोर्स को आगे लाएंगे, जो फीमेल्स हैं हमारी जब वो वर्क प्लेसेस में आएंगी उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फीमेल्स को एक बेटर अप्रोच, एक बेटर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर में भी मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसी पहल की है, आज से अगर हम 10 या 15 या 20 साल पहले जाएँ तो तब सिचुएशन सिनेरियो कुछ और था, लेकिन अभी जो है वो जो बदलता जम्मू कश्मीर है उसमें महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, रिजर्वेशंस आ रही हैं, सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे फीमेल्स को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम है, लेकिन अभी भी जो इलिटरेट क्लास है, जो रूरल सेटअप्स में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर आज भी ट्रेडिशनल बिलीफ्स का थोड़ा बोलबाला है, वहाँ पर ज़रूरत है कि हम ये समझें कि महिलाओं में पूरी शक्ति है, वो दे आर वेरी पावरफुल। हर धर्म में, हिंदू धर्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, हम सिख धर्म की बात करें, हर एक ने वुमेन को एक बहुत स्ट्रांग और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है। तो हम अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को बराबर की अपॉर्चुनिटी दे सकें और जब वो आगे आएंगी, जब वो सशक्त होंगी, तो मुझे लगता है ये जो डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का कल्चर है, ये रिड्यूस होगा।
जी बिल्कुल। प्रीति, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक महिला को जो है वो फेस करनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया कि पे स्केल में ही डिफरेंस देखने को मिलता है, पर वहीं अगर हैरासमेंट की भी बात की जाए वहां पे भी देखने को मिलता है छोटी छोटी चीजें। कुछ कंपनीज जो है वो पहल तो कर रही हैं कि आपको पीरियड्स में लीव मिल जाएगी, कुछ कंपनीज ये पहल कर रही हैं, पर अभी भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा गाइड करें कि किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन फेस जो है वो महिलाएं कर रही हैं, हमें कैसे समझना है कि अच्छा ऐसा हुआ है तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन कंसीडर की जाए या ऐसे हैरासमेंट कंसीडर किया जाए। मेरे ओपिनियन से अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कहोगे ना, तो डिस्क्रिमिनेशन ना हमारे घर से शुरू हो जाता है। तो मतलब हमें ऑफिसेज या फिर कहीं बाहर जाकर ये सब चीज़ों के लिए सोचने के लिए पहले है कि हमारे घर से जो शुरुआत है वो रोकी जाए। तो ऑल्दो माई फैमिली इज़ वेरी मच हेल्पफुल, मेरे को कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, बट येस सबसे पहला ये जो हमारे घर में अगर हम देखें पहले से होता आया था कि देर शुड बी ऑल्सो मेल, मतलब हमारी जनरेशन मतलब चेंज हो जाएगी, हमारा वंश आ जाएगा, तो ये एक जो ये यहीं से ही शुरू हो जाता है फीमेल डिस्क्रिमिनेशन। बचपन से उनको ये सुनने को मिलता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब वर्क प्लेस में हरासमेंट होती है वो ऑलरेडी नंब होती है कि अच्छा ये तो डेली होता है घर में। एग्जैक्टली तो उनके लिए वो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उनके लिए ये नॉर्मल होता है, बिकॉज घर से काफी सारी चीजें चलती आ रही होती है, सुना जा रहा होता है। अब लाइक मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात करनी चाहिए कि एज अ फीमेल अगर आपको क्या सिखाया जाता है, सबसे पहले आप बचपन से ही आपको क्या सिखाया जाता है, तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, यू विल गेट मैरिड। सो ये एक कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट है जिसमें आपको ये भी बताया जाता है कि यू आर नॉट फ्रॉम दिस फैमिली, यू विल बी गेट मैरिंग टू अनदर पर्सन, दैट अनदर पर्सन यू हैव टू ओबे दैट अनदर पर्सन हुम यू आर गोइंग टू मैरिड, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग यू हैव टू ओबे हिम, है ना। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें मतलब ये आपको जिंदगी में क्या करना है उससे ज्यादा ये बताया जाता है कि आपको शादी करके कहीं और जाना है। तो फिर उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है फीमेल का वो ऐसा ही हो जाता है कि हमें तो शादी करके जाना है, देन उसके बाद वी हैव टू गो एंड देन वी हैव टू ओबे द फैमिली। Although it is also very important if you are getting married, you have to obey your husband as well as your family, because it is not just about women inequality or women equality does not means that you have to be very arrogant or you have to be very dominant. It's just about equal type of respect for your husband as well as equal type of respect for your female also. वही ताहिर आपसे जानना चाहूँगी, अगर एक महिला के साथ workplace पे discrimination हो रहा है, एक तो उसकी identification किस तरीके से की जाए, दूसरा अगर identification हो गई है कि ठीक है इस तरीके से मेरे साथ हरासमेंट हो रही है या पे स्केल प्रॉपर नहीं है, सेम जॉब के लिए एक मेल मेंबर को ज़्यादा पे किया जा रहा है या एक्सपेक्टेशंस जिस तरीके से हैं, चाहे आप बात करें प्रमोशन की या कोई भी एक्स वाई जेड फैक्टर आप उठा लें, तो उसमें किस तरीके से फिर एक्शन लिया जा सकता है। अगर सपोज मेरे साथ हो रहा है तो उसके बाद मैं क्या करूँ, एक तो हो गया आवाज़ उठाना, दूसरा क्या कोई लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा रही है। देखिए ऑब्वियसली लीगल रेमेडीज़ टाइम टू टाइम बनाई गई हैं, लीगल रेमेडीज़ लाई गई हैं ताकि ये जो वर्क प्लेस हरासमेंट है इसको कर्टेल किया जाए, इसको कम किया जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्क प्लेस हरासमेंट बहुत तरीके की हो सकती है, ये आपको फिजिकली हरास करने होता है, आपको वर्बली हरास करना हो, आपको रिटन तरीके से हरास करना, लाइक कोई एम्प्लॉयर आपके पास काम कर रहा है उसके वर्क आवर्स जिसमें वो कम्फर्टेबल है, दैट इज़ सुबह 10 से लेके 5 बजे या 6 बजे तक, आपको पता है कि लाइक वो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं रात की शिफ्ट में 8 से लेके 10 बजे तक या 10 से लेके 12 बजे तक, तो आप वैसी टाइमिंग ले आएँ और आप फिर भी एक बंदे का सोशल जो स्ट्रक्चर है, जो फैमिली का स्ट्रक्चर, आप उसको हरास कर रहे हैं। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है, तो अगर मैं सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेसेस पे होती है, तो सेक्सुअल हरासमेंट की प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रिड्रेसल के लिए एक एक्ट भी आया है 2013 में, अगर कोई विक्टिम है वो अक्यूज्ड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता है, लीगल रेमेडीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो एक जो विक्टिम है वो जा सकता है, लीगल रास्ता ले सकता है, तो एक्यूज के खिलाफ एक्शन होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक इस चीज़ पे चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा, इक्वल पे इक्वल वर्क का कल्चर जो है वो हम जैसे नए लोगों को या जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लाना पड़ेगा। हमें फिलहाल तो इस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि फीमेल्स आर लेस केपेबल देन मैन, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल काम कर सकते हैं। आपने बोला पीरियड्स में लाइक एक डिफिकल्ट प्रोसेस के थ्रू वो गुजर रही होती हैं, तो पीरियड की लीव जो है ऐसे जैसे कल्चर्स को इनक्रेज करना चाहिए। और मुझे लगता है जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल की एमएसएमईज हैं या बड़े से बड़े कॉर्पोरेट सेटअप्स हैं,
हर जगह हरासमेंट को कटेल करने के लिए अपने एक इंडिविजुअल एक जो कंपनी की जो मेन टीम है, जो मतलब मेन मैनेजमेंट है, उसे भी देखना चाहिए कि हमारे वर्क प्लेस पर कोई हरासमेंट ना हो। अगर कोई विक्टिम है उसको देर आर सो मेनी रेमेडीज अवेलेबल। ये जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ ये वर्क प्लेस हरासमेंट बाकी चीज़ों से कनेक्टेड है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर आवाज़ उठाई, इसमें एडवोकेट्स थे, मैं दो तीन लोगों को जिनको मैं पर्सनली जानता था, मीनू पादा है, एक निखिल हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और रिसेंटली उन्होंने गवर्नर साहब से भी मिले थे। अभी हमने भी रिप्रेजेंटेशन दी थी ऑनरेबल एलजी साहब को कि इस कमीशन को इतनी देर से सीरियसनेस नहीं दी जा रही और सरकार अब स्टेट कमीशन फॉर वुमेन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने जा रही है। तो ऐसी जो कमीशन हैं या जो वुमेन हेल्पलाइन है 181 है, तो फीमेल्स आर मोस्ट वेलकम। वो ना बहुत ईजी और कॉर्डियल एटमोसफेयर पर वहाँ पर अप्रोच कर सकती हैं, और चाहे वर्क प्लेस हरासमेंट है चाहे कोई भी चीज़ है, तो सरकार भी लीगल एड पूरी दे रही है। यहाँ क्या वर्क कल्चर है, कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो वुमेन ओन्ड है? क्योंकि मोस्टली देखा जाता है यही, आप हॉबी बिजनेस कर लो, आप क्राफ्ट करते हो ऑनलाइन उसको बेच लो, बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, या आप बेकिंग कर लो, क्लाउड किचन बना लो, ऐसे हॉबी बिजनेसेस के अलावा जम्मू में कितने ज़्यादा आप देख सकते हैं कि वुमेन ओरिएंटेड बिजनेस या टेक्नोलॉजी जहाँ पे हो रही है या जहाँ मेल डोमिनेंस ज़्यादा है उसमें कितनी महिलाएँ हैं, और जितनी बिजनेसेस हैं जम्मू में उसमें क्या रेशो है, कितनी विमेन काम करती हैं, और अगर काम करती हैं तो किस पोजीशन पे हैं वो? देखिए यहाँ पे जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात है तो ऑब्वियसली नंबर इतना हाई नहीं है हमारी स्टेट में, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वर्कफोर्स जो है वो प्राइवेट कंपनीज हो गई या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे फीमेल्स का नंबर बढ़ रहा है। और एक अच्छा ट्रेंड मैं यहाँ पे कहूँगा कि लाइक लोगों को या जो बिजनेस ओनर्स हैं अब उनको ये चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे अपनी स्टेट की बात करूँ, जितने बिजनेसेस को मैं जानता हूँ, कि फीमेल्स अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं। अगर आप उनको कोई टास्क देते हैं तो बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ और ऑन टाइम कंप्लीशन आपको मिलती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती हैं, डिटर्मिंड होती हैं अपने काम को लेकर। आपने पूछा कि हॉबी बिजनेस की बात करें, अब अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि लाइक जो हॉबी बिजनेसेस हैं इनकी जो लाइफ है, जो इनका जो लाइफ स्पैन है वो 6 महीने या 7 महीने होता है। बिकॉज पैशन में आके आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख के आप अपना बिजनेस तो शुरू कर देते हो और आप स्किल भी थोड़ा बहुत सीख लेते हो आस पड़ोस से, और 6 महीने जब आपको लगता है कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है तो उसके बाद यू जस्ट शट इट डाउन और वो बिजनेस की कहानी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब जब से सरकार और फीमेल्स ने खुद भी इनिशिएटिव्स लेना शुरू किए हैं तो देर आर मेनी स्टार्टअप्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में भी जो फीमेल रन है जिनकी ओनर्स जो हैं वो फीमेल हैं। इसके अलावा जहां तक बाकी बिजनेसेस की बात है, फीमेल्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है। अब ज़रूरत ये है, देखें एक तो हमें एक सुपरफिशियल इमेज मिलती है, हम जम्मू या श्रीनगर की सिटी में बैठ के आंकड़ों का या एग्जैक्ट स्टेटस का हम पता नहीं लगा सकते कि फीमेल एम्पावर हो रही है नहीं आ रही है, फीमेल वर्कफोर्स में आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन अभी भी अगर आप रूरल जम्मू कश्मीर का आप डेटा निकालेंगे, देहाती जम्मू कश्मीर को देखेंगे, वहां पे शायद अभी भी एक तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज तो मेल्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो फीमेल्स का आगे आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो भी आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स जो हैं, कि मैं बस यही कहना चाहूंगा, सिंपल सा संदेश है, आपको जहां पे भी लगता है महिलाओं को कि उनका शोषण हो रहा है, उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं, आप आगे आइए, आप आवाज उठाइए। जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक आपको इमोशनल सपोर्ट, एक जनरल सपोर्ट देने को तैयार है। हमें इस सीरियस, इस हीनियस क्राइम को रोकना होगा। वर्क प्लेस हरासमेंट हो गया या किसी भी तरीके की हरासमेंट महिला के साथ अब टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, और एक जो सोसाइटी जिसकी हम कल्पना करते हैं वो तभी प्रोग्रेस होगी, तभी एक नया हिंदुस्तान बनेगा जब फेल फीमेल्स इक्वली इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, इस देश की इकोनॉमी में इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर प्रीति और ताहिर हमारे साथ। ऐसी और कॉन्वर्जेशन लेके हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे, और ऐसे ही मुद्दे जो हैं वो उठाते रहेंगे लगातार। और आपके भी कोई भी कंसर्निंग टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, तो ज़रूर कॉमेंट कर सकते हैं आप हमें या कॉल करके हमें बता सकते हैं, हम उन मुद्दों को भी उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे और कॉन्वर्जेशन लेके फिर मुलाकात करूँगी। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।